आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो 100% क्योर है। उससे बहुत सारे लोगों का ये डिजीज क्योर हुआ है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप वही नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जैसे कि मैं जी रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से शेयर करते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम किसी से भी शेयर नहीं करते, जो हमारे अंदर दबी हुई होती हैं और हमें पता नहीं होता, हमें रास्ते पता नहीं होते और हम अंदर ही अंदर उन चीजों से परेशान होते रहते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम ही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। इसी चक्कर में कुछ लोगों की लाइफ जो अच्छी हो सकती है वो बुरी से बुरी हो जाती है। तो इन चीजों का भुक्त भोगी रह चुका हूँ। अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा इस चैनल पर जो मैंने आज तक कभी नहीं करी है, जिससे कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप किसी जान पहचान वाले को प्रॉब्लम हो और उसको नहीं पता हो। अगर ये चीज़ें पहले डायग्नोस हो जाती हैं तो इनका इलाज होता है, और अगर ये लेट डायग्नोस होती हैं तो जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती हैं। कभी कभी जिम की वजह से ऐसे पेन्स होते हैं बॉडी में जो नेचुरल पेन होते हैं, जो मसल वाले पेन होते हैं, सोरनेस होती है, फिर मसल आपकी एक्सटेंड करती है, बढ़ती है। और कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनका जिम का कोई रोल नहीं होता, जो आपके अंदर से डिजीजेज होते हैं जो आपको पेन करते हैं। जितने भी जिम करने वाले लोग होते हैं अक्सर वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर जैसे कोई बैक पेन हो रहा है या कोई लोअर बैक पेन हो रहा है या हिप में पेन हो रहा है या थाइज में पेन हो रहा है कि ये क्या मसल वाला पेन है या ये कोई अंदर से हमारे पेन हो रहा है। कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम ही सोचते हैं कि यार ये शायद जिम करने की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे केस में ऐसा नहीं था। 2015 के अराउंड मैं एक प्रॉब्लम से गुजर रहा था जिसका नाम है HLA-B27+। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन भीड़ रोग है। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी में, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो आज वही बात करेंगे इस वीडियो में। In today's video, I'm gonna be telling you, can you cure diseases which is caused by HLA-B27+? जब आपकी बॉडी में अगर आपका वात बढ़ता है, आयुर्वेद में उसे वात कहते हैं, जब आपको वात का रोग हो जाता है तो उसको HLA-B27+ कहा जाता है, जिसके अंदर आपका ESR, CRP और आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बेलेंस होने लग जाते हैं। तो आपकी बॉडी में पेन, जैसे कि जो पेन होता है ऑर्थराइटिस से, स्पॉन्डिलाइटिस से, सेकुलाइटिस से, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इसके होने से आपको हो सकती हैं। मे बी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी HLA-B27+ होने की वजह से ही होती हैं। लेकिन HLA-B27+ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। अगर आपका वो पॉजिटिव आता है तो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपका बैक पेन 90 दिन से ज़्यादा रहता है या 60 दिन से ज़्यादा रहता है तो यू शुड गो फॉर HLA-B27 टेस्ट। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको ये देखना है कि आपका ESR, CRP ये सब बढ़ा हुआ आ रहा है और आपको इन्फ्लेमेशन है। अगर आपके ऐसा ही जॉइंट पे आपको इन्फ्लेमेशन महसूस होती है तो आप AS पॉजिटिव के पेशेंट हो सकते हैं। और HLA-B27+ होने की वजह से बहुत सारे डिजीज और भी हैं जो आपकी हो सकते हैं, जैसे ऑर्थराइटिस, गाउट और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं। मेरा तो खुद का पॉजिटिव था लेकिन मैंने कैसे नेगेटिव किया मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कैसे आप अपने HLA-B27+ को नेगेटिव कर सकते हो, मुझे पता है किसी को इस बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब हो सकता है क्योंकि मैं उसका एग्जांपल हूँ। मैंने किया है 27+ होने के बाद में, और अगर आपके अंदर सिम्टम्स आते हैं AS के, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के या सैक्रोलाइटिस के या ऑर्थराइटिस के, गाउट के, किसी चीज़ के भी सिम्टम आते हैं तो लाइफ हो जाती है, क्योंकि MRIs में कुछ आता नहीं है। अगर आपकी शुरुआत की स्टेज है, जैसे मेरी शुरुआत की जब स्टेज थी तो उसके अंदर कुछ भी शो नहीं हुआ था, ना तो मेरे किसी जॉइंट में स्वेलिंग ज़्यादा आई थी, MRI में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे मेरी स्वेलिंग इंक्रीज हो गई, तो मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैं फिटनेस लाइन में था, जिम लाइन में था, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे को ज़्यादा वेट उठाने से ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ऐसा था नहीं। आयुर्वेद में डॉक्टर्स कहते भी हैं, और गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, गलत तरीके से खान पान से भी ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। अगर HLA-B27+ की बात करें तो ये होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अगर आप गूगल पे भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो हमारे प्रोटीन सेल्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, और आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को फाइट करने का काम करते हैं, वो उल्टा काम करने लग जाते हैं, वो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। सीधी भाषा में इसको यही कहते हैं कि आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपके जो लड़ते हैं कीटाणुओं से, वो उल्टा आपकी बॉडी पर हार्म करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, बोन डेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है, आपके SI जॉइंट्स में पेन रहता है, और अगर आप इसका इलाज ना कराओ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। वीडियो इंग्लिश में भी बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ऐसी वीडियो पूरे के पूरे YouTube पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सच मायने में जो इंसान इन तकलीफों से गुजर रहा होता है उसी को पता होता है कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं और ये कितना पेनफुल हो जाता है। ये सिचुएशन कैसी होती है जिसके अंदर किसी को भी समझ में नहीं आता कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि इससे लड़ा कैसे जाए। लेकिन इससे लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो 100% ट्रू है, ट्राइड एंड टेस्टेड, खुद भुक्त भोगी हूँ।
मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो आदमी हर जगह जाता है। दिल्ली के बड़े से बड़े डॉक्टरों से मैं मिला, क्या कि बाहर वाले डॉक्टरों से भी मैं मिला हूँ, लेकिन इस चीज का कोई इलाज नहीं है। एजली भी 27 पॉजिटिव होने के बाद में ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, इनकी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाओगे, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाओगे, तो वो आपको दुनिया भर के MRI लिख के देंगे, आपको दुनिया भर के टेस्ट कराएंगे और आपसे दुनिया भर के पैसे लेंगे। क्योर पूछोगे तो वो आपको एक इंजेक्शन बताएंगे, इंजेक्शन का नाम रेमिगेड है, काफी महंगा इंजेक्शन है और उससे ये क्योर नहीं होता। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में रुक जाती है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर इसका आयुर्वेदा में ही है। प्रॉब्लम बहुत लंबी है और ये वीडियो भी बहुत लंबी है और ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो आपको ये वीडियो फिर भी देखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भगवान ना करे अगर किसी भी फैमिली मेंबर को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है या किसी फ्रेंड को होती है, तो शायद मेरी वीडियो के थ्रू उसकी हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी इन्फ्लेमेशन बॉडी में शुरू हो गई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट वर्किंग आउट, मेरा खाना फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मेरे को दिक्कतें हो रही थी। एंड मैं उसी के लिए अब पतंजलि फिर जा रहा हूँ अपने डॉक्टर से मिलने के लिए। नाम है पीयूष गुप्ता जी, जो पतंजलि आयुर्वेद में बैठते हैं। मैं 2-3 साल मेरे को हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए। पिछले साल जब मैं बॉम्बे गया था तो मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, बारे में आपको मैं फिर किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन मैं भी बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत भी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से मेरे फिर से पेन हो गया। तो मैं जाने वाला हूँ, वो 100% क्योर है, उससे बहुत सारे लोगों का ये डिजीज क्योर हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप वही नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जैसे कि मैं जी रहा हूँ। देखिए, जब हमें खुद को कोई प्रॉब्लम होती है तभी हमें उसके बारे में हमें समझ में आता है, तभी हम स्टडी करते हैं और तभी हम दूसरों की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि आप लोग किस दिक्कत से गुजर रहे हो और आप कैसा फील करते हो, कि आप चाहते हो कि फटाफट ठीक हो जाओ, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, जैसे इस वीडियो के लिए भी आपको रखना है, क्योंकि ये वाली जो बीमारी है ये बहुत लंबी बीमारी है। कुछ केसेस में ये लंबी चलती है, कुछ केसेस में ये कम टाइम लेती है। और उनसे गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। हम गूगल पर रात दिन सर्च करते हैं जब कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है। ये पेन स्ट्राइक करता है अराउंड 21, 24 और 26 साल की टाइम पे करता है, और नहीं तो आप ये फिर लेट 30s में करता है। अगर आपके पेन ही स्ट्राइक करता है और क्योर करने की सोचें तो आपकी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन या आपकी स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्पॉन्डिलाइटिस और HLA-B27 और सैक्रोलाइटिस वाली जो इन्फ्लेमेशन वाली जितनी भी ये प्रॉब्लम है, ये आती जाती रहती है, ये रिमिशन में भी चली जाती है। ऐसा हो सकता है आपको एक बार इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद आपको 2-3 साल तक कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, आपका जो पेन है वो बिल्कुल चला गया और ये फिर दोबारा आ गया। इसका कुछ ऐसा ही तरीका होता है। अपना केस आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सको, कि मेरे SI जॉइंट में पहले स्वेलिंग आई थी, पहले मेरे राइट हिप में स्वेलिंग थी, उसके बाद मेरे लेफ्ट हिप में स्वेलिंग आई, फिर लेफ्ट से राइट में गई, फिर राइट वाली स्वेलिंग खत्म हो गई, फिर वो लेफ्ट में आ गई, और उसके बाद मेरे पैर में शूट करता था पेन, तो मुझे लगता था कहीं ये साइटिका तो नहीं है, कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ थी। कि एलोपैथ में दे डोंट हैव एनी क्योर, बट इन आयुर्वेदा दे हैव 100% क्योर, एंड आई एम द एग्जांपल ऑफ इट। आप पतंजलि जाओगे, अगर आप मेरा नाम लोगे मेरे डॉक्टर से, पीयूष गुप्ता जी से, तो वो बताएंगे कि मैंने किस तरीके से इसको क्योर किया है। पहले ना मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता था कि आयुर्वेदा इतना पावरफुल है कि ये ऐसा डिजीज़ क्योर कर सकता है। आपको पता है आप कैंसर भी अपना आयुर्वेद से ठीक कर सकते हो। आई नो ये चीज़ें बड़ी अटपटी लगती हैं, शुरुआत में मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था। कि मैं जितने भी बाहर जो विदेशी डॉक्टर थे मैंने उनसे भी बात करी थी, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था, शुरुआत में इट वाज वेरी शॉकिंग कि आयुर्वेद इतना पावरफुल है। मुझे लगता था कि आयुर्वेद और योगा में क्या शक्ति होगी, क्या वो मेरी हेल्प करेंगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको बस पेन किलर देते हैं और वो आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो जैसे आपका पेन किलर का असर खत्म होता है वैसे आपके पेन आना शुरू हो जाता है, तो यार आयुर्वेद में कैसा होगा। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, आयुर्वेदा के लिए मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई, योग के लिए मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई। किसी भी डिजीज को आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है, एलोपैथ आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता किसी भी चीज़ का, परमानेंट इलाज नहीं होता एलोपैथ को फॉलो करके। कुछ चीज़ों में अगर सर्जरी की बात करें या हड्डियों का टूटने की बात करें तो वो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डिजीजेज देन आयुर्वेदा इज द आंसर। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए मैं अब आपको लेके चलूंगा पतंजलि हरिद्वार, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कैसे क्या होता है, दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता कैसा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरे पे यकीन रखो। टाइम लगेगा लेकिन आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं रहेगा। मैं आने वाले टाइम में हर इंजरी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि लोग बॉडी बनाने की एक्सरसाइज बता देते हैं, फिट रहने की एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन कभी जब इंजरी हो जाती है या डिजीज कोई हो जाता है तो उसके बारे में मैंने देखा यूट्यूब पे ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये वीडियो मैं बहुत मन से बना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, वीडियो बहुत वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ पतंजलि योग पीठ। आप दिल्ली से जाओगे तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे रूट में, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक और आप कौन से वाला रास्ता ले रहे हो। GT करनाल रोड से मेरे घर के तरफ से रास्ता जाता है, बाकी आप पेरिफेरल हाईवे से भी जा सकते हो, नया हाईवे है तो काफी मतलब ईजी रहता है अगर आप वो रूट चूज करोगे तो।
बीच में गंगा कैनाल वाला रास्ता भी आता है, ये काफ़ी खाली रास्ता है, कोई टोल नहीं पड़ता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा रूट है अगर आपको लेना है हरिद्वार जाने के लिए। ये है पतंजलि के लिए मेन एंट्री गेट, हमें दिल्ली से लगभग 5 घंटे लगे, आप जल्दी भी आ सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड ट्रैफिक। आप पतंजलि योगपीठ में रहने के लिए आ रहे हैं तो कार पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी अच्छी पार्किंग है यहाँ पर। तो हमारे सामने मेन हॉस्पिटल की एंट्री है, मेन एंट्री गेट जो है हॉस्पिटल का वो यही है। ये पतंजलि का मेगा स्टोर है, काफ़ी अच्छा और बड़ा स्टोर है, आपको यहाँ पर कोई भी आइटम जो डेली यूज़ की आपकी यूज़ में आती है वो मिल जाएगी, जैसे कि सोप, मेडिसिन, क्लोथ्स, बुक्स, एंड इन केस इफ़ यू वांट टू एंजॉय बाहर का खाना यू कैन आल्सो हैव सम सैंडविचेस, यू नो, पास्ता वगैरह स्टफ़। गाइस बेसिकली पंचकर्म में होता क्या है, पंचकर्म में ये एक बहुत ही एशियंट टेक्निक है जिसमें से जब वो ये करते हैं तब आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और पंचकर्म एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इससे पंचकर्म एक तरीके का स्पा है जिसमें आपकी बॉडी को हॉट मसाजेस दी जाती हैं, आपकी बॉडी पर ऑयल डाला जाता है और आपकी बॉडी की जितनी भी नर्व्स जो ब्लॉक हो जाती हैं उनको खोला जाता है उस टेक्निक के द्वारा। अगर मैं पंचकर्म के ऊपर बोलने लग गया तो पंचकर्म के ऊपर एक पूरी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि पंचकर्म में सिर्फ ही एक सिंपल स्पा थेरेपी है जिसके अंदर अनीमा भी दिया जाता है। अनीमा देने का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स डाली जाती हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करती हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर ऑयल थेरेपी से आपकी जो नर्व्स ब्लॉक हो गई होती हैं उन्हें खोला जाता है। जब आपका पेट क्लीन रहेगा तो आपको कोई बीमारी रहेगी नहीं, यही रूट कॉज होता है किसी भी बीमारी का, जो मेन कारण होता है वो होता है आपका पेट। अगर आपका पेट क्लीन रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने जब आज अपने डॉक्टर से बात करी है तो उसने मेरे को ये क्लियर कर दिया है कि मेरे को HLA-B27 वाली प्रॉब्लम नहीं है, पहले हुई थी तो उससे जो मेरे को जो स्लिप डिस्क हुई है उससे मेरा जो पेन है वो आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स मिल गई हैं इसलिए ये कॉज कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्लिप डिस्क के ऊपर ही होगी, तो स्लिप डिस्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं एग्जांपल हूँ उस चीज़ का, और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मेरी थेरेपीज भी चल रही हैं और जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। देखिए हमारा ये सुपर डिलक्स रूम है जो आपको नॉर्मल लगेगा लेकिन ये डिलक्स रूम है यहाँ का, इसकी जो कॉस्ट है वो है 1500 रुपीज़ पर डे। देखिए आपको सिंपल खाना मिलेगा, एक सिंपल थाली होगी जो पंचकर्म थाली है और एक डिलक्स थाली होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, अराउंड 180 रुपीज़ की दोनों थाली हैं, और आपको ट्रीटमेंट के वक्त यही खाना होता है। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, आज 23 सितंबर है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी इस बार आने में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो वो मैं अपने दूसरे चैनल DSC फिटनेस ग्रूमिंग स्टाइल की व्लॉग पर डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। तब के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। व्यवस्था है इस बात की, मैडम दिल्ली जाके